हेलो एवरीवन। तो यार बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके दिमाग में अभी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और गेन में से एक जो बहुत ही बुरी चीज़ चल रही है, और वो यार वो क्या होने वाली है, उस पर क्या सच्चाई है। पहली चीज़ चल रही है यार पोस्टपोनमेंट को लेकर के, कि जेई मेन्स 2022 क्या दोबारा से पोस्टपोन होगा। एंड सेकेंड चीज़ चल रही है कि सेकेंड अटैम्प्ट के एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से शुरू होने वाले हैं। पहले यार मैं पोस्टपोनमेंट के ऊपर बात करूँगा, फिर देन जा करके सेकेंड अटैम्प्ट के एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करेंगे। तो यार देखो, पोस्टपोनमेंट की जो बात है आपको मैं बता देना चाहूंगा, पिछले ईयर भी सेम टू सेम ये सिचुएशन थी, और पिछले ईयर जा करके फिर भी कोविड के केसेस बचे हुए थे, हो रहे थे, उसके बावजूद जा करके एनटीए ने अपना एग्जामिनेशन करवा लिया था। सेम टू सेम आपको सिनेरियो बताना चाहूं तो इस ईयर आपको लोग कह रहे होंगे कि यार हमारा जो बताया जा रहा है कि जून में जाकर के फोर्थ वेव आ सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जून में फोर्थ वेव का यार बिल्कुल मत सोचो आप लोग। थोड़ा बहुत भी अगर कोविड होगा तो एग्जामिनेशन कराया जाए, क्यों? क्योंकि अभी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड्स आप जानते होंगे, और भी जितने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन चल रहे हैं वहां पे तो यार बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कंपेयर करें यार आईआईटी जेईई वाले बच्चों से, बहुत ज़्यादा 25 लाख 30 लाख 40 लाख बच्चे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं। तो जब ये दे सकते हैं तो यार क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं दे सकते हैं? तो इस चीज़ का दिमाग से भ्रम हटा दो कि यार दोबारा से पोस्टपोनमेंट वाली चीज़ होने वाली है, ठीक है? इसको आप जो भी लोग कह रहे हैं बोल भाई कि नहीं मेरे को पढ़ने दे, मेरा टाइम बर्बाद मत कर, बस इतना चीज़ आपको कहना है, ठीक है? और देखो यार, जहाँ तक बात रही हमारे सेकंड अटेम्प्ट के एप्लीकेशन फॉर्म की, वो बात करने से पहले लास्ट टाइम चल रहा है और आप लोगों के पास 40-45 डेज ही बचे हैं। इन 45 डेज में आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इन 45 डेज को यूटिलाइज करते हो या टाइम पास करके बिता सकते हो। टाइम अगर आपको यूटिलाइज करना है तो बेस्ट थिंग यू कैन डू कि आपको टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, और ये फ्री में टेस्ट यार बहुत ही मुश्किल से हमें मिलता है। वो टेस्ट मैं आप सभी के लिए लाया हूँ, डैट इज अन अकेडमी का सुपर 30 टेस्ट सीरीज, जो यार आप हर रोज दे सकते हो, और साथ ही में जाकर के हर वीक 50 लकी विनर्स भी होते हैं। मैं यार आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज बेस्ट क्वेश्चंस मिलेगा, स्ट्रैटेजीज मिलेंगी या कि यार कैसे आपका परफॉर्मेंस हुआ है, क्या हुआ है, और इंटेंसिव रिवीजन होगा जेई 2022 का। ये चीजें किसी भी टेस्ट में हमें देखने को नहीं मिलती है। भाई देखो, ये टेस्ट तो दे लोगे, 30 मिनट्स का टेस्ट होगा और 15 क्वेश्चंस होंगे, ये आप अटेम्प्ट करोगे, यानी कि पर क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट मिल रहे होंगे, ठीक है? इसके बाद आपको यहां तक तो बहुत अच्छी चीज लगी, साथ ही में जाकर के जो इसमें यार विनर्स बनते हैं ना, उनके नाम में हर वीक अनाउंस करता हूँ कि कौन बच्चा जीता है, ठीक है? पिछले वीक भी यार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, वो कौन से जीते हैं उनके नाम में अनाउंस अभी करना चाहूंगा। डेट इज यार वंशिका बंसल है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंशिका, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतीक कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन इंद्रजीत, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्तिका सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी गुप्ता, बी आर नेक्स्ट विनर, नेक्स्ट विनर बरो यार डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर क्लिक करना है, वहां जैसे ही आप लोग यार उसमें इनरोल करना चाहो तो एक इनवाइट कोड पूछता है, वहां पे आप लोगों को बस ट्राइटन डाल देना है, TRI10, बस ये कोड डालो, फ्री में इनरोल हो जाओ, एक रुपए भी आप लोगों का नहीं लगने वाला। यार जहां तक बात है हमारे सेकंड अटेम्प्ट के एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी जेई मेंस की वेबसाइट है वो यार अपडेट हुई थी बीच में, ठीक है? 4 मई को ये अपडेट हुई थी, मैं आपको शो भी कर देता हूं। और इसमें देखो होता क्या है, पिछली बार भी जैसे ही आया था, अपडेट हुआ था, तो जस्ट 4-5 दिन पहले ये लोग एक बार अपडेट करते हैं वेबसाइट को, यानी कि वेबसाइट में सम चेंजेस किए गए हैं, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का कब आ सकता है एप्लीकेशन फॉर्म, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो ये हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से लेकर के फ्राइडे या सैटरडे के बीच तक में आपका यार स्टार्ट हो जाने वाला है, यानी कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों के स्टार्ट हो जाने वाले हैं सेकंड अटेम्प्ट के एप्लीकेशन फॉर्म। जितने बच्चों ने भी नहीं भरा है वो लोग भर देना, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फिल किया होगा तो बस यहां पे आपको पेमेंट करनी है और कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है? लेकिन जिन्होंने बच्चों ने यार फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्लाई नहीं किया था तो डायरेक्ट सेकंड अटेम्प्ट में अप्लाई कर सकते हैं, पूरा न्यू फॉर्म भरना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी यार वीडियो डाल दी थी कैसे फॉर्म फिलअप होता है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और चैनल पे यार नया आया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जेई मेंस के रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं, जो कि यार दूसरे चैनलों पे नहीं मिलती है, फालतू की न्यूज हम लोग नहीं फैलाते, बात यही है, ठीक है? तो जाकर के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।